हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको कैनन प्रिंटर G2012 की अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ, तो आप बने रहिए और पूरी अनबॉक्सिंग देखिए। सो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। काफी अच्छा पैक करके दिया हुआ है। सो गाइस, इस तरह से पैकिंग होके आया है। ये हमारा प्रिंटर है, कैनन G2012। सो ये करीब मुझे 10,000 में पड़ा है। सो मैं आपको इसकी फुल अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, इस तरह से पैक होके आया है। सो गाइस, ये हमारा प्रिंटर है, इसको ओपन करते हैं, क्या क्या आया है देखते हैं इसमें। सो इस तरह से आया है, देखते हैं। ये वाला हमारा USB केबल है, ये प्रिंटर का पावर केबल है, और देखते हैं ये क्या आया है। ये इसका यूज़र मैनुअल है। इसके बाद ये इसकी DVD है, यानी कि ड्राइवर वगैरह इंस्टॉलेशन के लिए। ये इसके सारे कलर्स आए हैं, ब्लैक कलर दो दिए हैं इन्होंने, दो। उसके बाद ये ब्लैक स्किन है, और बाकी जो कलर है ये तीन कलर आए हुए हैं। इसके बाद ये इसके कॉर्ट्रेज है, ये प्रिंटर के कॉर्ट्रेज है, और ये है कलर वाला, और दो कॉटरेज आते हैं, एक कलर वाला और एक ब्लैक। सो वो कलर वाला था और ये ब्लैक है। इन दो कॉटरेज में ये कलर फिल करना है। इसके बाद ये हमारा प्रिंटर है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये जो इनके अंदर ये कलर कैसे फिल करते हैं, और इस कॉटरेज के अंदर कॉटरेज को कैसे प्लग करते हैं, और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं कंप्यूटर से, इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये हमारा प्रिंटर है, ये इस तरह से पूरा पैक होके आया है। सो मैं आपको इस के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये यहाँ पर हम लोग ये कलर डालते हैं, और इसके यहाँ पर अंदर, यानी इसके नीचे की साइड, वहाँ पर कॉटरेज प्लग होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।